25 दिन हो गए थे, मतलब मंजे पे बैठे हुए, मतलब मंजे पर पड़े थे, डिस्क हिल गई है और नस दब गई है। इससे तुम्हारा क्या हो रहा था जब ऐसा हो गया? तो बस चीखना चिल्लाना, दर्द, इतना तकलीफ था, इतना तकलीफ था कि मैं मंजे को मेरे लात जो है ना, मैं इसके बल पे खड़ नहीं पाता था और ये लात मैं ऐसे नहीं कर पाता था और इसको मैं ऐसे बैठ भी नहीं पाता था, ऐसे बैठ भी नहीं पाता, लात कर नहीं पाता था, सीधे भी नहीं कर पाते थे। ये जो ऐसे लात हम करते थे, मेरी लात जैसे फटने लगती थी, फटने लगती थी। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम दिनेश है और साथ में इनके वाइफ खड़े हैं। ये परिवार अमृतसर में शहाटा के रहने वाले। ये भाई बताते कि अक्टूबर महीने में अचानक से इनकी राइट टांग में बहुत ज़्यादा दर्द होनी शुरू हो गई। बताते कि धीरे धीरे वो दर्द इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि एक कदम भी ये भाई अच्छे से चल नहीं पाते थे। बताते कि एक दिन तो ऐसा हुआ कि पूरी रात इनको जाग कर निकालनी पड़ी। ये बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, प्रॉब्लम में। आप उन्हें दे दो माइक, वो अच्छे से बात कर लेंगे। क्या नाम है भाई आपका? दिनेश कुमार जी। दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, क्या जी। काम करते आप? हलवाई का काम है जी। अच्छा, आपके मुताबिक अक्टूबर में जी, अक्टूबर शुरू में जी, महीना हुआ है 25, एक महीना पहले जी, पहले दिन जब हम इधर आए थे, जब हमको किसी ने लेके आया था, हाँ हाँ, तो हमको 25 दिन हो गए थे, मतलब मंजे पे बैठे हुए, मतलब मंजे पर पड़े थे। डॉक्टर्स ने क्या बताया, क्या हुआ है? हाँ। तो डॉक्टर ने बोला कि अपना जाके, मतलब डॉक्टर उन्होंने लिख के दिया ना मेरे को अपना MRI कराओ जी। MRI कराई जी। क्या आया उसमें? उसमें आया कि मतलब आपकी, मतलब नस दब गई है और आपकी प्लेट डिस्क जो है वो हिल गई है। डिस्क हिल गई है जी जी, और नस दब गई है जी। वो है इनके टेस्ट रिपोर्ट वगैरह? एक्सरे कहाँ लाओ? कहाँ पर ऐसे पता चलेगा ये नस दबी है, ये ऐसा ऐसा है? तो कोई डॉक्टर है यहाँ जो पढ़कर बता दे मुझे क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है पोस्टेरियर बल्जिंग ऑफ द L1-L2-IV डिस्क कॉजिंग कंप्रेशन ऑफ द कंप्रेस्पोंडिंग न्यूरल फॉर्मनाइ। मतलब इसकी एक नस दबी बता रहे हैं, दूसरा डिस्क हिल गई है, ये बताया इसमें कि सर जो राइट साइड वाली लेग है उसमें जो नस जाती है वो ब्लॉक हो चुकी थी। ब्लॉक हो गई थी जी। और साथ में डिस्क भी हिल गई। अच्छा, इससे तुम्हारा क्या हो रहा था जब ऐसा हो गया? तो ऐसे जब हुआ था, मतलब इसको मैं करा के डॉक्टर के पास ले गया। हाँ, फिर तो उन्होंने मेरे को बेड पे डाल दिया। फिर बेड पे डाला तो जितनी देर दवा वो करते थे उतनी देर, मतलब मेरे को नींद आती थी जी, या क्या पता इंजेक्शन मेरे को नशा वाला लगाते थे, क्या लगाते थे ये सब चीज मेरे को नहीं। दवा देते थे, इंजेक्शन लाते थे, नींद आती थी, उसके बाद जब खुलती थी नींद, फिर जितने देर मतलब हॉस्पिटल में मैं रहना उतने हाँ। देर मेरे को चैन रहना। फिर उसके बाद, उसके बाद में जब हम घर आते हमको दवाई बांध के दे देते कि मतलब ये दवा खा के सोना और नींद की दवा, जैसे आपको हाँ। दर्द होती तो नींद की दवा खा लेना, आपको नींद पड़ेगी, वो सब चीज हमको दिया, हमने घर में खाया, जूझ किया, उससे भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, बस चीखना चिल्लाना, दर्द, इतना तकलीफ था, इतना तकलीफ था कि मैं मंजे को पर लात जो है ना, मैं इसके बल पे खड़ नहीं पाता था हाँ। और ये लात मैं ऐसे नहीं कर पाता था और हाँ। इसको मैं ऐसे बैठ भी नहीं पाता था, ऐसे बैठ भी नहीं पाते, मैंने लात कर नहीं पाता था, सीधे भी नहीं कर पाते थे। ये जो ऐसे लात हम करते थे, मेरी लात जैसे फटने लगती थी, फटने लगती थी जी। सोचो तो ये कितनी तकलीफ में था भाई। 25 दिन मेरे को बहुत तकलीफ मैंने भुगती सब चीजों से, 25 दिन जी। तो कोई अपना हमारे गांव का बिरादर था हाँ, हमारे भाई लगता था, तो वो इधर आए थे, इधर वो आपको लेकर आया, वो इधर आते। जब आप पहली बार कौन सी तारीख में आया था? पहली बार तारीख लिखी इसकी, 3 संडे हो गए, एक संडे को आया, एक बुधवार को आया था मैंने, 3 संडे हाँ जी। जब पहली बार आप आए इधर, संगति चल रही थी, क्या हुआ उस समय? जब इधर मैं जब आया तो मतलब जब पहला गेट हमने क्रॉस किया हाँ, तो वहां पर जैसे मैंने गेट जब क्रॉस किया तो जैसे मेरे रूह कांप गए, ऐसे कुछ ऐसे जी, जी जी टच किया आपको जी, जैसे क्या ये मेरे को नहीं समझ लगी कि मेरे अंदर कोई आया कि अंदर से मेरे बाहर गया, ऐसे कुछ हुआ आपके शरीर साथ? पूरा कबा, मेरे बाल सारे खड़े हो गए शरीर। अच्छा अच्छा, जब खड़े हो गए तो जी, मतलब वहां से मैंने थोड़ा ढपक ढपक के पैर मैंने रख के आया, तो मेरे को मतलब जिस दिन मैंने यहाँ पर आया था उस दिन बैठ नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था, तो जब मैंने मतलब आया तो मेरे को वहां पर बैठाया गया, सारा हाँ। बैठाया गया तो मैंने वहां पर बैठा, तो मैंने बैठा, जब से मतलब आया तब से मैं बैठे रहा। अच्छा, तो जब इधर मतलब जब प्रार्थना और आराधना हुई उसके बाद में मेरे को जब उठाया गया, जब
फिर मैं उठे, फिर इधर आके मेरे को लाया गया। फिर जब आपकी प्रार्थना हुई, जी जी, उसके बाद में मतलब मेरे को जब मतलब यहाँ बैठ गया तो हमको कोई दर्द नहीं हुई, कोई महसूस कोई चीज नहीं हुआ। हाँ। जब यहाँ पर हमको टच किया गया, हाँ। जब पापा जी ने आपने जब देखा मेरे को टच किया, प्रार्थना की गई, उसके बाद जी उसके बाद मेरे जब मतलब जब मेरे वहां पर मेरे को टच किया और जब मैं गिरा, हाँ, तो मतलब होश आवाज मेरे को नहीं था। उसके बाद में जब मैं खड़के ठाड़ हुआ तो मेरी मतलब सारी दर्द एकदम निकल गई। तारीफ करो परमेश्वर की। ये सोच लो आप लोग, पहली बार बंदा आया यीशु मसीह को नहीं जानता था, ले हैंड हुआ, ये टेस्ट है आपके सामने, एमआरआई आपके सामने, उसकी पत्नी आपके सामने है जिसने इसको तकलीफ में देखा इतना। देखो क्या कौन सी सामर्थ्य है, इसको गेट से छुआ, हाथ रखकर प्रार्थना की, नस ब्लॉक खुल गई, डिस्क अपनी जगह सेट हो गई और आप इसको चंगा वाला देख रहे हो। तारीफ करो जोर से, तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए खुदावंत की। वो जिंदा है, बोलो यीशु ही प्रभु है, वो जिंदा है, यीशु ही प्रभु है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, इसीलिए काम कर रहा है। जाओ अब बढ़ते रहना और बड़े बड़े काम देखोगे। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहां आ सकते हो सुखपाल राधा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारन रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।